दोस्तों आज की कहानी है ननद जी, मैं नौकरानी नहीं मालकिन हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुबह के 10 बज रहे थे, बच्चों को स्कूल, पति को ऑफिस भेजकर और सास ससुर को नाश्ता खिलाकर मैं अभी अपने लिए 5 मिनट निकाल कर बालकनी में चाय पीने बैठी थी कि देखा पास वाले घर में से नई किराएदारनी बाहर आई। अभी उस दिन पहले ही वह लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। गजब की समक थी उस औरत के सहरे पर, जैसे तो हर महीने हजारों रुपए का फैसिल कराती हो। सहरे पर हमेशा 37 इंच की बड़ी सी मुस्कान रहती थी उसके। मैंने बालकनी में लगे हुए कांच की तरफ अपना सहरा घुमाकर देखा। सहरे पर 12 बज रहे थे, बुझा सा सहरा, बाल बिखरे, बिना दुपट्टे का सूट, ना कानों में ना गले में कुछ पहन रखा था। ऐसा नहीं है कि घर में बहुत कमी थी, बस मन ही नहीं होता था। फिर सोचा मेरे कैसे समक आएगी, मेरे पास कौन सा फेसियल कराने का टाइम और फालतू का पैसा है। इतने में ही उसका पति बाहर आया, दिखने में बड़ा ही खुश मिजाज लगता है किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में कार्यरत है। पैसे टके की तो कोई कमी लगती ही नहीं है, वही हमारे इनके तो सर से लेकर पांव तक सफेद बाल उग चुके थे। पैसे टका भगवान की दया से इतना ही था कि कमी की तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसों का कोई पेड़ नहीं उगा हुआ था उसके पास। तो बच्चों की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, क्योंकि कभी कोई बच्चा दिखता ही नहीं था। और मेरे तो शादी के अगले 3 साल में ही 2 बच्चे हो गए थे। उसके घर पर एक बूढ़ी औरत दिन भर जरूर दिखाई देती थी, शायद उसकी सास होगी। दिखने में बड़े ही सरल स्वभाव की दिखती है, इसका मतलब सास का भी कोई झंझट नहीं है। मुझे तो सास ससुर के साथ 2 ननदे भी निभानी पड़ती हैं। हाय रे मेरी किस्मत, क्या गजब जीवन है उस औरत का। सब कुछ कितना व्यवस्थित है, एकदम अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है। और यहाँ देखो, सुबह से शाम तक परिवार के लिए ही काम करते रहो, खुद के लिए तो जैसे समय मिलता ही नहीं था। सुबह उठने से ही मम्मा मम्मा की पुकार चालू हो जाती है। फिर सारा काम करके बच्चों को स्कूल भेजो तो अगली फरमाइश पति देव की चालू हो जाती है। कभी मुझे कहाँ है तो कभी तोलिया, और कभी मेरा बनियान कहाँ है। बस यही सब काम करते करते सारी सुबह निकल जाती है। नाश्ता बनाओ और फिर सारे
सास ससुर को नाश्ता कराओ। ये जीवन जीते जीते पूरे 15 साल हो गए हैं। शनिवार रविवार पतिदेव की छुट्टी होती तो काम दुगना हो जाता। किसी काम में हाथ बटाने की बजाय 2 फरमाइशें बढ़ा कर ही बताते हैं। शरीर देखो तो फूल कर ऐसा हो गया है कि अपी में से एक अपी बाहर निकल कर आ जाए। कुल मिलाकर मुझे मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लगता था घर की मालकिन नहीं कोई नौकरानी हूँ। इतने में ही आवाज आई, अरे अप्पी खाना कब बनाएगी, तेरे पापा को दवाई लेनी है। हाँ मम्मी आ गई। अपने ख्यालों को झटकते हुए और पैर पटकते हुए वहाँ से सल दी। मेरी स्थाई जगह मतलब मेरी रसोई में रोज उस औरत को मैं उसके पति को ऑफिस भेजते हुए देखती। हर शनिवार रविवार भी दोनों कहीं साथ में घूमने निकल जाते हैं। उन्हें इतना खुश देखकर अपने आप को बिना घी की रुकी सूखी रोटी की तरह पाती और उसको घी से सुपड़ी रोटी की तरह पाती। रोज रोज एक ही समय पर देखने की वजह से अब हम दोनों थोड़ी थोड़ी मुस्कान एक दूसरे को देने लगे थे। एक दिन हमारे घर सुंदरकांड के पाठ थे। ऐसे में कॉलोनी के सभी औरतों को बुलावा देने मुझे जाना था। दिन के 2 बज रहे थे। एक बार तो लगा क्या पता वह किराएदारनी सो रही हो, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे कब बाद में वक्त मिलेगा, सो रही होगी तो आज उठा देती हूँ। वैसे ही बड़े ऐस का जीवन जीती है और मैंने घंटी बजा ही डाली। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसके हाथों में से दवाई की गंध आने लगी। मैंने पूछा आप कोई जरूरी काम कर रही हैं, बाद में आऊं? अरे नहीं नहीं, वह तो मैं आंटी की जरा दवाई लगा रही थी, उनके पैर में दर्द रहता है ना। आइए ना आप, मेरा नाम टीना है, रोज आपको देखकर मुस्कान ही पास होती थी। आज आपसे सम्मुख मिलने का मौका मिल गया, बड़ा अच्छा लगा। टीना बोली, हाँ मैं भी आपको रोज देखती हूँ, बड़े ही तरीके से जीवन जीती हैं आप अपना। मन ही मन आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ मैं। अब उससे ये तो कह नहीं सकती थी कि उसके जीवन वंचे सिड़ती हूँ। वह हमारे का सुंदर कांड के पाठ हैं। आपको और आंटी को जरूर आना है, आंटी के तो पैर में दर्द रहता है। मैं जरूर से आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर मैं आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप बार बार आंटी क्यों कह रही हैं? ये आपकी सास नहीं है क्या? नहीं, वह वरुण और मेरे हम दोनों के ही माँ बाप। तो बचपन
में ही गुजर गए थे। हम तो एक अनाथालय में बड़े हुए हैं, वहीं आंटी भी रहती थी। इनकी वहाँ ढंग से देखभाल नहीं होती थी, इसलिए हम इनको हमारे साथ घर पर ले आए। अच्छा, मेरे मुँह से केवल इतना ही निकला। सोचकर बड़ा दुख हुआ कि बचपन से ही माँ बाप नहीं थे तो आपके बच्चे जी। वह शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरे कुछ समस्या है, इस वजह से हमारे बच्चे नहीं हो पाते हैं। इस साल हम बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे हैं। ओहो हे भगवान, अपने बच्चे भी नहीं हैं। मैं फिर सोच में पड़ गई, आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ क्यों रहने आए हैं? मैंने फिर जिज्ञासा बस एक और प्रश्न पूछा। पहले तो हम शहर से दूर एक छोटी सी जगह पर ही रहते थे, लेकिन फिर इनका तबादला शहर में हो गया, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। हर शनिवार रविवार हम उसी अनाथालय में जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए। तो भैया किसी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत लगते हैं। सोचा अब कम से कम यहाँ पर तो हाँ ही भरेगी। नहीं नहीं, वह तो सेल्स मैनेजर हैं, वह क्या है ना, काम ही ऐसा है कि सुबह सुबह ढंग से तैयार होकर ही निकलना पड़ता है। कहकर वह तेज हंस पड़ी। मेरे मुँह से अब कोई प्रतिक्रिया निकल ही नहीं रही थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा उसके जीवन में कुछ नहीं था, शायद कभी कुछ नहीं था। ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई अपना सिवाय पति के, फिर भी इतनी खुश। मैं फिर बोली, परिस्थितियाँ ऐसी थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मानना पड़ेगा आप बड़ी ही खुश और संतुष्ट नजर आती हैं अपने जीवन से। मेरे ये कहने के बाद जो उसने बोला, ये जवाब मेरी आशा के एकदम विपरीत था। भाभी खुशी और संतुष्टि तो मन से निकल कर आती है, मुझे और वरुण दोनों को ही बचपन से ही माँ बाप का साया नहीं मिला। शायद परिस्थितियों ने ही मुझे और वरुण को खुश रहना सिखा दिया। पहले माँ बाप का साया नहीं मिला और बाद में बच्चों की खुशी, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन जो हमारे हाथ में है उतना जीवन में तो हम खुशी खुशी जी ही सकते हैं। मैंने कई औरतों को देखा है जिनके पास घर, पति, बच्चा, घर में बड़े सब होते हुए भी वह अपने जीवन में बहुत सी शिकायतें लेकर घूमती हैं और अपना जीवन उन शिकायतों में ही पूरा कर देती हैं। लेकिन मैंने और वरुण ने अपना यही नियम बना रखा है कि हमें हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। इस जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है, छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर
कि हम पता नहीं किन बड़े खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और उस तलाश में अपना वर्तमान भी भुला बैठते हैं। कहते कहते टीना भावुक हो गई। अरे भाभी, मैं तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई, छोड़िए ना मेरी बातों को, आप जाइए कार्यक्रम की तैयारी कीजिए, मैं वक्त पर जरूर आ जाऊंगी। टीना के घर से मेरे घर तक मात्र 10 कदमों का ही फैसला था, लेकिन वह 10 कदम मुझे 10 साल जैसे प्रतीत हो रहे थे। हर एक कदम पर मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। कितना बड़ा अंतर, कितनी भिन्नता है उसके और मेरे जीवन में। सब कुछ तो दिया भगवान ने मुझे हमेशा से, इतने अच्छे माँ बाप, उनके बाद सास ससुर, प्यार करने वाला पति, मेरे खुद के बच्चे। फिर भी मैं खुद के ही परिवार का काम करने में इतनी थकान महसूस करती हूँ। खुशी को हमेशा दूसरों के जीवन में ही तलाशती रही। खुशी की तलाश में कभी भगवान के लिए, अपने आशीर्वादों के लिए धन्यवाद ही नहीं किया। और ये लड़की, इसके खुद का कोई रिश्तेदार नहीं, उसके बावजूद ये उन रिश्तों को निभाने में ही लगी रहती है। कहाँ पैदा हुई, कहाँ इसने जीवन जिया, और अब ये कहाँ आकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, ये शायद मेरी ही कमी है। आज टीना से मिलकर मैं अपने आप को बदलने का निर्णय ले चुकी थी और अपने घर में खुद को नौकरानी की जैसे नहीं, एक मालकिन समझकर प्रवेश कर रही थी। अब से मैं मेरे काम बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपना दायित्व समझकर खुशी से करूंगी। शायद मेरी खुशियों की तलाश आज पूरी हो गई थी। मैं भगवान को दिल से धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।